हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ हूँ। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है XT, VT एंड AT कर्व। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इसमें बहुत सारे थेरोटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कंसेप्ट हम सीखेंगे। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x वर्सेस t अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो जनरली इसका स्लोप जो आता है दैट इज नथिंग बट योर, वो हमें मिलता है वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ XT लाइन हमें वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ VT लाइन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो वी गेट एक्सेलरेशन। एंड अगेन स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टाइम दैट विल गिव अस जर्क। तो हमें याद रखना है स्लोप रहेगा XT लाइन का तो वेलोसिटी मिलता है, VT लाइन का स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है, AT लाइन का स्लोप लेंगे तो उसका जर्क मिलता है। देन व्हाट अबाउट एरिया, तो इसका ग्राफ का हम एरिया लेंगे तो एरिया आता है, हमें इसे प्लॉट करना है, जनरल दिस योर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एरिया दिस एक्सेलरेशन टी इंटू कॉन्स्टेंट। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड। तो जनरली मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम इसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ AT कर्व इज वेलोसिटी, वेर एज एरिया ऑफ VT कर्व विल गिव डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया ऑफ XT कर्व देर इज नो मीनिंग। देन अगर आपका कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो स्लोप विल बी जीरो एंड VT एंड AT लाइन में कुछ भी नहीं आएगा। तो बस सिंपल एक ट्रिक याद रखो, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डेरिवेटिव लेना है एंड राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो इंटीग्रेशन लेना है। तो मान लो एक केस है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है VT कर्व में, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये 0 डिग्री है तो इसका कर्व आएगा 1st डिग्री। ओके, देन वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर हमारा एक्सेलरेशन दिस इज AT कर्व, तो एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है तो ये 1st डिग्री, तो ये 2nd होगा और ये 3rd डिग्री होगा, इतना याद रखना है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टली 0, तो ये आएगा 1st, ये आएगा 2nd। ओके, सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये मोशन देखेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, आई होप आपको चलेगा। थैंक यू।